फतेहाबाद क्षेत्र के भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा का एक वायरल वीडियो सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि अपनी भाषा को लेकर भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा विवादों में घिर गए हैं। इस वायरल वीडियो में भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा ने पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को जनता का कार्य ना करने की स्थिति में जूते मारने की बात कही। स्वयं ही करवाते हैं, सही है। जब तक हम लोग मन नहीं बनाएंगे तब तक ये भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं होगा। मैं आप लोगों के दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आप जेन्युइन काम बता देना, चाहे वो हमारे थाने का कोई हो चाहे तहसील का हो, आप बता देना वो लेता हो फतेहाबाद से एक घंटा आने का लगेगा, साले वही मारूंगा जूतों से। और आप लोग स्वयं ही दे रहे हैं जिसका आप स्वयं दोषी है, कोई सरकार दोषी है इसमें ना, कोई देने वाला दोषी है। अभी आपने बताया, आप बता देना हम आपके साथ चलेंगे। माननीय सांसद जी ने मैसेज भी डाल दिया है डीएम साहब के लिए, आपकी बात सुनकर तुरंत मैसेज डाल दिया है। और आपका होता नहीं, आप हमें बताना, हम डीएम साहब के साथ चलेंगे, आपके साथ चलेंगे और आपका काम भी करवाने का काम करेंगे। सही कहा, राष्ट्र विकास फतेहाबाद हमने लड़के झगड़के कैसे ही आदर्श नगर पंचायत कराने का काम किया है। अभी ये रोड का जो टेंडर था, ई टेंडर है, एक फिरोजाबाद के ठेकेदार ने ले लिया है, उसने काम नहीं किया, मैंने बैठ के उसे नोटिस दिलवा दिया है। या तो एक दो दिन में काम लगा देगा वरना उसका ठेका रिजेक्ट हो जाएगा और वो पुनः दूसरे ठेकेदार को दो चार दिन में काम मिल जाएगा, काम लग जाएगा, ऐसा मेरा पूरा आपको भरोसा और विश्वास कराना चाहता हूँ। लेकिन इसी में हमारे सांसद जी से अभी चर्चा हुई, हम लोगों ने चर्चा की है, जो डामर की रोड है वो कहीं ना कहीं जल्दी टूट जाती है और टूट जाती है पानी के भराव से। सांसद जी से हमारी गहराई में चर्चा हो चुकी। भाजपा सरकार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था संबंधित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सपा ने तहसील करहल मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। लोग सेवा के बाद फोन खाना बंद कर देते हैं, ये करें कि जनता वो जनता है, नेताओं का जो निर्णय आता है उसे स्वीकार करती है, लेकिन जनता को काम करना है, जवाब देने की जिम्मेवारी हम सभी लोगों की होती है। इसलिए मैं आपके बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार में जो आप लोगों को योजनाओं का लाभ मिला और जो विकास हुआ, एक क्षेत्र से कहीं छुपा नहीं है। ये वो क्षेत्र है जहां समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी जो आदेश हुआ, बिजली के रेट 30% बढ़ गए। सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज के 2.5 साल पहले हम लोग सरकार से बेदखल हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आएगा कौन जाएगा, फर्क तब तो पड़ेगा जब जनता किसी के साथ नहीं रहती है। इसलिए जनप्रतिनिधि होने के नाते, राजनीति करने के नाते हम लोगों को जनता के बीच में रहना है। और कुछ ने तो ऐसा भ्रम पाल रखा है कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, कोई किसी का ज्ञाता नहीं होता है। बहुत ताकत से आप अगर बोल फेंकोगे, आदमी की ताकत और क्षमता होती इससे ऊंचाई से ज्यादा नहीं जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी इससे ऊंचे नहीं जाएगी। आने वाला कल 22वीं लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी। बिजली की बात हो रही थी, आदरणीय अखिलेश जी पे आरोप लगता था कि इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, कन्नौज, इन जिलों में बिजली मिलती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने नेता को जिसने 5 साल सरकार में रहते हुए एक मोहरा में स्थापित किया था, अखिलेश यादव ने काम किया था, 1000 से ज्यादा बिजली के सब स्टेशन बनाए, एस स्टेशन की दायरे बनाई और लोगों को बिजली देने का काम किया। 2.5 साल की सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी की, एक बिजली घर नहीं बना। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली घर बने उन्हीं घर की पटके लगा के बाबा ही कुछ है। कहीं सोचते थे 7 घंटे लगते थे, 8 घंटे यहाँ पे लखनऊ जाने में, सुबह 10 बजे घर से रास्ते में बैठ के खाना खा के दिल्ली होके वापस करे, वापस मैनपुरी, वापस बेटा, वापस फिरोजाबाद, 2 घंटे में लखनऊ पहुंचते। ये काम होता है, वो कहते हैं काम
मेट्रो चलाई, मतलब जो भी योजनाएं अभी ने पिछली बार पुलिस के भाई आ गए सेवास के लिए, तो मैं मुख्यालय देखने चला गया भुवनेश्वर का, लखनऊ में पुलिस का एक व्यक्ति हमारे थे वो बैठे थे, वो सोच रहे थे 5x5 का कमरा डीजीपी ऑफिस के बगल में मिलता था। सभा कार्यकर्ताओं ने तहसील स्तर पर वर्तमान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और किसान उत्पीड़न को लेकर फिरोजाबाद की 5 तहसीलों में धरना प्रदर्शन किया। स्तर पर आदमी परेशान है, कारोबार धंधे चल नहीं रहे, नौकरी के नाम पर नौकरियां छीन रहे हैं। इस सरकार में 2 करोड़ लोगों की अब तक बेरोजगार हो गए, बड़े बड़े उद्योगों पर असर है, GST नोटबंदी का, एक गुंडागर्दी का माहौल है, पुलिस पर विश्वास नहीं है और हद तो ये हो गई। चिमनीनंद के मामले में उस लड़की को अरेस्ट किया गया, ये बड़ी दुख की बात है, पीड़िता को जेल जा रही है और जो दोषी हैं उनको सुरक्षा दी जा रही है, बड़ी अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है। और समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में तहसील हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना माननीय अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनके निर्देश पर महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, तरह तरह की ऐसी समस्याएं जो जनविरोधी हैं उनके खिलाफ लोगों को जगाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए किया जा रहा है। उसी कड़ी में फिरोजाबाद में है, GST नोटबंदी लागू होने के बाद इस सरकार का उत्पीड़न बहुत बढ़ गया है। ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी भी है, जन विरोधी भी है, महिला विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, सबके विरोधी है, किसी के हित में कभी कोई काम नहीं किया इन्होंने और न कोई विकास का काम इनके एजेंडे में है। सारे समाजवादी सरकार के टाइम के विकास के काम इन्हें रोकने का काम किया या रोक नहीं पाए तो अपना बताने का काम किया, ये हमारे विकास के काम है। इनके 100 नंबर की जो योजना थी समाजवादी सरकार की, 102 नंबर, 108 नंबर सबको शिथिल कर दिया। ग्राम क्षेत्र में विकास होते थे, जनेश्वर मिश्रा योजना, लोहिया ग्राम योजना, वो सब ठप कर दिए। समाजवादी पेंशन योजना बंद कर दी, तरह तरह की योजनाएं जन लाभकारी थी वो सबको बंद कर दिया। फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ जेड़ा झाल परियोजना, इतनी बड़ी योजना 1000 करोड़ की अखिलेश जी लाए, माननीय सांसद अक्षय यादव जी के प्रयास से, माननीय प्रोफेसर साहब के प्रयास से आई फिरोजाबाद के लिए, राम बाण सिद्ध हुई जो पीढ़ियाँ याद करेंगी, उस योजना को अपनी योजना बताते हैं, मेडिकल कॉलेज को अपना योजना बताते हैं, नगर निगम को अपनी योजना बताते हैं, इनकी अपनी कोई योजना नहीं है। जनता समझ चुकी है, समझ रही है, केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ा के और फूट डाल के राज करना चाहते हैं। अब वो समय नहीं आएगा ये लोगों को गुमराह करके राज कर पाएं 2022 में स्पष्ट। जहां एक और जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तार एवं शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने में लामबंद है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व माध्यमिक विद्यालय गायर जालौन के टीचर छात्र छात्राओं से झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय गायर के टीचर खुलेआम सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। यूपी के जहांगीराबाद में महात्मा गांधी की जयंती पर नगर पालिका ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें खुद पालिका चेयरमैन डॉक्टर सूरज भान माहौर व ईओ शामेंद्र मोहन चौधरी ने अपने हाथों में कीप्स पहनकर नगर की सड़कों पर पड़े कूड़ों में। मानपुर में कोसी नदी के बांध पर जमीन की जुताई करने जा रहे एहसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रास्ता न होने की वजह से ट्रैक्टर को गलत रास्ते पर उतार दिया गया था, जिससे ट्रैक्टर पलट गया। एहसान के ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर पलटने की सूचना एहसान के साथी सत्यवान ने परिजनों को दी। एहसान की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। मेरा नाम धर्मेश सिंह है, ग्राम मानपुर पट्टी में रहता हूँ मैं। हमारे गाँव में आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। एहसान उर्फ कल्लू निवासी मानपट्टी, इनकी ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। ये गांव से अभी दोपहर में लगभग 2 बजे के करीब अपने घर से निकले थे खेत जोतने के लिए। यहाँ ये तटबंध है, हमने कई बार तुम्हारी प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि हमें जगह जगह तुम्हारी की इस पर रैंप दिए जाएँ, जहाँ पे अब यहाँ से आप देख लो केवल एक रैंप है, पूरे जंगल यहाँ से ले कर और आप चले जाओ उधर भजनपुरी तक। कारण क्या रहा जो ट्रैक्टर पलटा है? कारण ये रहा है भाई, यहाँ ऊँचाई अधिक है और नीचे को जब ट्रैक्टर उतारते हैं तो कभी कभी नहीं झोंक संभलती उसके ट्रैक्टर की, नीचे चला गया और देखो मृत्यु हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके परिवार को कौन भरण पोषण करेगा?
और अधिकारियों से बार बार तुम्हारे कि हम मिले हैं जाके, और हमने बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारी शाही फैन लगाया, ये शाही फैन ऐसी खोल दिया, सारा बाढ़ का पानी चला जाता था क्षेत्र में, तो शाही फैन पर ढक्कन लगा के उल्टा सीधा, तो लोगों ने वो बंद करा, जब जाके बाढ़ का पानी बंद हुआ है, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, अब भी तमाम गड्ढे कटाफटा है, केवल अगर इस पर सड़क ही बना दी जाती या जगह जगह रैंप दिए जाते तो तुम्हारी आज ये दुर्घटना नहीं होती हमारे गांव में, जो आज पूरा गांव पीड़ित है इससे। हाँ जी, कांस्टेबल दिनेश प्रताप। क्या मामला है, कौन से गांव का मामला है? ये मामला मानपुर पट्टी का है, और ये ट्रैक्टर पलटने से इनकी मृत्यु हो गई मौके पर ही। एहसान अली हैं, एहसान अली सन ऑफ झंडू, मानपुर पट्टी के रहने वाले हैं, उम्र लगभग इनकी 55 के आसपास होगी। किस चीज़ से मौत हुई, क्या? ये ट्रैक्टर पलटने से, जुताई करने के लिए आए होंगे तो वहाँ ट्रैक्टर पलट गया, और ट्रैक्टर पलटने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। कितनी उम्र होगी लगभग? उम्र लगभग 50-55 के आसपास है। ठीक है।